चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ऑल इंडिया का सेकंड राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स जारी हो चुका है, यानी एमसीसी ने ऑल इंडिया ओपन, डिम्ड, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग सभी के लिए सेकंड राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया है। और इसमें खुशी की बात यह है कि सेकेंड राउंड के लिए अभी 11,360 सीट्स वैकेंट हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कोटा की कितनी सीट वैकेंट है, डिम्ड की कितनी सीट वैकेंट है। इसमें जब हम बात करें ऑल इंडिया कोटा प्लस ओपन सीट की, तो इसमें अभी 65.75% सीट्स अभी भी वैकेंट है इसमें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटा और ओपन सीट जिसमें एम्स, जिपमर, एमयू, बीएचयू सभी आ जाते हैं, उसकी फर्स्ट राउंड के लिए कितनी सीटें थी। तो उसकी 343 इंस्टीट्यूशन में 9,465 सीट्स थी और अभी सेकेंड राउंड के लिए 6,220 सीट्स वैकेंट हैं। यानी ऑल इंडिया और ओपन सीट के लिए 6,221 सीट्स पर एमबीबीएस के लिए एडमिशन होगा। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ये एमबीबीएस सीट्स के लिए है। तो फर्स्ट राउंड में टोटल सीटें थी 9,465, मैंने गलती से यहां 61 लिख दिया है, तो 65 सीटें थी। जो टोटल ज्वाइंट कैंडिडेट हैं और जो वर्चुअल वैकेंसी होके आएंगी वो 3,240 सीट्स हैं। वर्चुअल वैकेंसी का मतलब यहां होता है कि जिन कैंडिडेट ने अपग्रेड का ऑप्शन दिया है, तो अगर उनकी सीट सेकेंड राउंड में अपग्रेड हो जाएगी तो उसमें फर्स्ट राउंड की सीट वैकेंट हो जाएगी, उसको वर्चुअल वैकेंसी कहा जाता है। तो अभी तक जिन कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है, 3,240 कैंडिडेट्स ने गवर्नमेंट कोटा के लिए ज्वाइन कर लिया है। तो जो गवर्नमेंट कोटा के लिए वैकेंट सीट है सेकेंड राउंड के लिए एमसीसी में ऑल इंडिया कोटा और ओपन सीट के लिए, वो 6,221 सीट से, यानी कि 65.75% सीट्स अभी भी वैकेंट है। हमने आपको पहले बता दिया था कि सेकेंड राउंड के लिए 60-70% सीटें वैकेंट होके आती हैं इसमें। अब हम डिम्ड की एक बार बात कर लेते हैं। तो इस बार डिम्ड में ऐसा हुआ है जो इतिहास में पहली बार हुआ है, वो ये है कि डिम्ड की 35% सीट अभी ऑक्युपाई हुई है, यानी वैकेंट रही है। 35% सीट ही वैकेंट रही है, बाकी सारी फिलअप हो गई है। फर्स्ट राउंड में जो टोटल सीट्स थी वो 9,100 सीट्स थी, अभी सेकेंड राउंड के लिए जो वैकेंट सीटें आ रही हैं 3,204 सीट्स ही आ रही हैं इसमें। एनआरआई की सबसे ज्यादा सीटें फिल हुई हैं फर्स्ट राउंड में, ये सारी सीटें फिल हो चुकी हैं। जो सीटें अभी 3,204 सीट है, इसके अलावा जो बाकी सीटें हैं वो सारी इसमें फिल हो चुकी हैं। क्योंकि अगर इसमें कोई स्टूडेंट 1 तारीख के या 2 तारीख के बाद सीट छोड़ता है तो उसमें उसको 2,00,000 रुपए फॉरफिट हो जाएंगे, इसलिए कोई सीट छोड़ेगा नहीं। और इसमें डिम्ड में अब की बार ये देखने को मिला है कि इतनी सारी सीटें फर्स्ट राउंड में फिल हुई है और सिर्फ 35% सीट्स ही सेकेंड राउंड के लिए वैकेंट रही है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। इसके बाद एक बार हम पूरे की समरी देख लेते हैं कि ये 11,360 कौन कौन से इंस्टीट्यूट में ये सीटें वैकेंट है। तो ऑल इंडिया और ओपन सीट के लिए एमबीबीएस के लिए 6,221 सीट्स वैकेंट है, डिम्ड के लिए एमबीबीएस के लिए 3,204 सीट्स है, बीडीएस ऑल स्ट्रीम के लिए जिसमें बीडीएस भी आ गया, बीएससी नर्सिंग भी आ गया, 1,870 सीट्स है, और अदर के लिए 65। इस प्रकार से टोटल 60 सीट्स वैकेंट हैं। तो ये इस बार के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन है डिम्ड के लिए, और ऑल इंडिया के लिए तो 60-70% सीटें खाली होके हमेशा आती ही है, लेकिन डिम्ड के लिए इस बार इतनी सारी सीटें फिल होना एक एग्जाम्पल सेट हो चुका है। तो ये जानकारी थी डिम्ड के बारे में और ऑल इंडिया के बारे में कितनी सीटें वैकेंट हो के आई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो वीडियो को डिसलाइक भी जरूर करें, क्योंकि हमें पता लगे कि हमारे वीडियो डिसलाइक हो रहे हैं, तो इस प्रकार के वीडियो हम तभी बनाएंगे जब हम लोग लाइक करेंगे। तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।